सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोलॉइड्स के बारे में. कोलॉइड्स हमने स्टार्ट किया था. कोलॉइड्स मतलब उसका डेफिनेशन हमने देखा था. और कोलॉइड्स में हमने जस्ट स्टार्ट किया था अलग अलग टाइप्स के कोलॉइड्स क्या होते हैं. पहले तो हमने डिफरेंशिएशन किया था कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में. और फिर हमने देखा था कि कोलॉइड में जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन है, वो तीन तरीके से हमने किया था. और फर्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन था, जिसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, वो हमने कवर कर लिया था. आज की वीडियो में हम आगे दो जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस पे, वो कवर करने वाले हैं. सो सेकंड बेसिस ऑन विच वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द कोलॉइड्स इज बेस्ड ऑन the nature of interaction, nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, and dispersion medium. ठीक. सो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, मतलब क्या उसमें अट्रैक्शन है, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट. अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी हमें दिख सकती है. अगर वो रिपेल करते हैं तो क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आएंगी किसके अंडर में, इस क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. ठीक. जैसे मान लो यहां पे मैं एक सीधा क्लासिफिकेशन ही करवा देता हूं. दो कैटेगरीज इसमें आएंगी इस क्लासिफिकेशन में. वन इज कॉल्ड एज लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक, और दूसरा लायोफोबिक. लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड. क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी मैं करवा रहा हूं. तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंशिएशन करते समय हम देखेंगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि लायोफिलिक कोलाइड का मतलब क्या है. लायोफिलिक कोलाइड इज द कोलाइड इन विच देर इज अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. देर इज अ गुड अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. जैसे मान लो कि हमने कोई सब्सटेंस से वाटर में ऐड किया और उसके कुछ कोलाइड पार्टिकल बन गए, तो उस कोलाइड पार्टिकल और जो वाटर होगा उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. तो उस टाइप का अगर कोलाइड बनता है तो उसे बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड. ठीक. लायोफोबिक कोलाइड का मतलब क्या है, ठीक, देर इज नो अट्रैक्शन और द कोलाइड इन विच देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत ही निग्लिजिबल अट्रैक्शन होगा, जिसको हम बोलेंगे कि देर इज नो और वेरी लिटल अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. ठीक. दिस इज कॉल्ड एज लायोफोबिक कोलाइड. दोनों में डिफरेंशिएशन में डेफिनेशन हमने देख लिया कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. और इस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि लायो मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है क्या, लविंग. यहां पे भी लायो का मतलब हुआ क्या, लिक्विड, और फोबिक का मतलब हुआ हेटिंग. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये लिक्विड लविंग है एंड दिस इज लिक्विड हेटिंग. This is liquid hating. अब liquid का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? Liquid ये है dispersion medium. ठीक? ये भी liquid का है dispersion medium. तो जो particle होगा, जैसे यहाँ पे देखो कि अगर ये यहाँ पे water present है, ये water हमारा हुआ क्या dispersion medium, और इसमें मान लो हमने कुछ starch वाच के कुछ particles डाल दिए ऐसे, है ना, स्टार्च डाल दिया, तो ये कोलाइड बनाएगा. तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल होगा इसके बीच में और वाटर के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो हम बोलेंगे कि ये जो कोलाइड यहाँ पे बन चुका है वो लायोफिलिक है. अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, लायोफोबिक है. तो ये जो पार्टिकल होगा अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये बोलेंगे कि ये पार्टिकल इसको लव करता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लिक्विड लविंग. अगर नहीं करता तो उसको बोलेंगे क्या, लिक्विड हेटिंग. बहुत सिंपल है. ठीक.
और इसमें डिफरेंशिएशन हम करवाते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड जो है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, तो ऑब्वियसली है कि वहां पे हाइड्रेशन या फिर अच्छा सॉल्वेशन होगा, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, अच्छा हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन होगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, इसके बीच में और इसके बीच में डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इस पे डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे इसके सरफेस के ऊपर इस तरीके से, ड्यू टू अट्रैक्शन। बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, सरफेस के आपके इकट्ठा हो गए, तो उसके कारण क्या बनेगा, एक लेयर बनेगा। तो उसी लेयर को हम बोलेंगे क्या, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। हाइड्रेशन कब बोलेंगे, अगर ये डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो। अगर डिस्पर्शन मीडियम हमारा अल्कोहल होता तो हम यहाँ पे बोल देते कि ये भाई सॉल्वेशन है, समझ में आ रहा है। तो वाटर के अलावा कोई अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सॉल्वेशन, वाटर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन इज वेरी गुड इन केस ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो वहां पे हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन नहीं होगा। तो हम यहां पे बोलेंगे नो और लिटिल हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। हुआ भी तो बहुत ही निग्लिजिबल होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे कि है ही नहीं। ठीक, ये हुआ थर्ड डिफरेंशिएशन। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, देखो एक एक को चीज़ को हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। हाइड्रेशन हुआ, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये लायोफिलिक कोलाइड है और यहाँ पे हाइड्रेशन होता है, तो हाइड्रेशन होगा उसके कारण क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस के ऊपर अटैच हो रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा जो पार्टिकल होगा, ये वाला, इस पार्टिकल और ये जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, इसके बीच में जो टेंशन होगा, दो अलग अलग फेजेस है ना, और दो अलग अलग फेजेस के बीच में क्या होता है, हमेशा टेंशन होता है। ठीक, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन यहां पे जो दोनों के बीच में होगा, ड्यू टू हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, वही अगर लायोफोबिक कोलाइड होता तो लायोफोबिक कोलाइड में जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल होगा, डिस्पर्शन मीडियम के कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इन दोनों के बीच हमेशा क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो यहां पर सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा जितना कि नॉर्मल डिस्पर्शन मीडियम का होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, भले आप उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डाल दो, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा उसका जो इनिशियल सरफेस टेंशन होगा, और उसमें जब हम कुछ कोलाइडल साइज के पार्टिकल डालेंगे और ये पूरा कोलाइड बनेगा, तो उस टाइम पे ड्यू टू हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन सरफेस टेंशन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड कि सरफेस टेंशन of dispersion medium is, और surface tension of colloid, यह पूरा का पूरा colloid है, इस पूरे colloid का surface tension क्या होगा, decrease, is less than dispersion medium, जो initial dispersion medium होगा सिर्फ water होगा उसका surface tension से जो पूरे colloid का surface tension होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहां पे हम बात करेंगे कि there is no change in surface tension dispersion medium के surface tension में कोई change यहां पे नहीं दिखेगा, जो colloid होगा उसका surface tension और जो initial dispersion medium होगा उसका surface tension दोनों क्या रहेंगे, same। अब एक और चीज यहां पे कि देखो ये हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन हुआ, जिसके कारण क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पे बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, है ना, क्योंकि ये यहां पे साइज बढ़ गया ना एक दूसरे का इस तरीके से, ड्यू टू हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। ठीक, तो हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन होगा तो इस पार्टिकल का मूवमेंट जो है इधर उधर, क्योंकि उसका बल्क बड़ा है, उसकी साइज बड़ी है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल अटैच हो चुके, तो साइज बढ़ेगा तो उसका मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसके मूवमेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्ट होगा, और रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। इसका मतलब इस जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड होगा इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लायोफोबिक कोलाइड, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड में इस टाइप का कोई इंटरेक्शन हमें नहीं दिखता। तो हम यहां पे लिखेंगे कि विस्कोसिटी ऑफ कोलाइडल
सिस्टम इंक्रीजेस, मतलब डिस्पर्शन मीडियम की जो इनिशियल विस्कोसिटी होगी उससे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? कोलोइडल सिस्टम, जो हमारा कोलोइड बनेगा उसकी होगी। ठीक, यहां पे नो चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे विस्कोसिटी ऑफ कोलोइडल सिस्टम इज इंक्रीज। ठीक, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक तरीके से डिस्पर्शन मीडियम की ही विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम यहां पे भी लिख सकते थे विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम जो है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक, अब देखो यहां पे विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, सरफेस टेंशन में क्या चेंजेस हो गया वो देख लिया। एक और चीज है इसमें कि लायोफिलिक कोलाइड जबकि दोनों के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन है, ठीक, तो इसको बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लो स्टार्च हमने लिया, लायोफिलिक कोलाइड का एग्जांपल होता है, स्टार्च लिया, स्टार्च को वाटर में डाल दिया, इजी है, आसान है, वार्म वाटर लो, उसमें क्या करो स्टार्च को ऐड कर दो, उसको थोड़ा सा क्या करो स्टर कर लो, आपका कोलाइड बन गया, कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक, उसी तरीके से अगर इस वाटर जो हमारा पूरा का पूरा कोलाइड सॉल्यूशन होगा स्टार्च इन वाटर, उसको थोड़ा सा हीट कर दोगे तो वाटर उड़ जाएगा, वाटर उड़ने के बाद बचेगा क्या, सिर्फ स्टार्च, मतलब क्या बचेगा, डिस्पर्स फेज बचेगा, डिस्पर्शन मीडियम तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से क्या होगा, कोलोइड तो ब्रेक हो गया, लेकिन फिर से अगर इसमें आप थोड़ा सा वाटर डालोगे वार्म वाटर, तो फिर से उसको स्टर करो, क्या बन जाएगा, कोलोइड बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि लायोफिलिक कोलोइड जो होता है उसको बनाना क्या है, आसान, साइमल्टेनियसली वो रिवर्सिबल भी है, मतलब कोलोइड बन गया उसको अगर आपने तोड़ दिया, मतलब उसके दो फेजेस अलग कर दिए, तो फिर से उसको बनाना आसान हो जाता है, फिर से उस फेज को मिक्स कर दो फिर से बन जाएगा। ऐसा हमें किसमें नहीं दिखेगा, लायोफोबिक कोलाइड। जैसे मान लो लायोफोबिक कोलाइड में हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हमने लिया है वाटर और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे जो प्रेजेंट है कोलाइड पार्टिकल्स, ये है गोल्ड के। अब गोल्ड तो आपको पता है गोल्ड बाहर आता है और उसके छोटे छोटे आपको क्या बनने पड़ेंगे, पार्टिकल्स कोलाइडल साइज के, और उसको क्या करना पड़ेगा वाटर में मिक्स करना पड़ेगा। ठीक, अब एक बार ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया जैसे तैसे करेगा, वो भी अब गोल्ड बार को ऐसे तो नहीं कि गोल्ड बार को लिया और इसमें ऐड करवा दिया, मतलब आपके पास एक गोल्ड का ऐसे बार था उसको सीधा हमने वाटर में ऐड करवा दिया और उसके टुकड़े हो गए, ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। जो कि पॉसिबल है किस केस में, लायोफिलिक के केस में, मतलब कैसे, वाटर लिया, वाटर में आपने ऐड करवा दिया कि यहाँ पे स्टार्च, सो व्हेन वी ऐड स्टार्च इन टू द वाटर इट फॉर्म कोलाइड, सीधा सीधा क्या बना देगा यहाँ पे, कोलाइड बना देगा। लेकिन ऐसा कहा पॉसिबल नहीं है लायोफोबिक के केस में, गोल्ड लिया, गोल्ड को ऐड कर दिया, गोल्ड बार को ऐड कर दिया, वाटर में नहीं बनेगा। तो आपको गोल्ड को स्पेशल टेक्निक से पहले छोटे छोटे कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर चल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनटू द वाटर में, तब चल के क्या बनेगा यहाँ पे, कोलोइड बनेगा, गोल्ड का क्या बनेगा, सोल बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सोल, क्योंकि हम अभी सोल का मतलब क्या था लास्ट क्लास में हमने देखा था, सोल का मतलब क्या होता था कि सॉलिड इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड, उसको हमने क्या नाम दिया था, सोल। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो सोल के बारे में बात करेंगे, तो कोलाइड या बोलू या फिर मैं सोल बोलू दोनों का मतलब क्या होगा, वही, दैट इज सॉलिड प्रेजेंट इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोलाइड बनेगा या सोल बनेगा वो कौन सा होगा, गोल्ड सोल होगा, या गोल्ड का क्या होगा, कोलाइड होगा। तो ये बनाने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। साइमल्टेनियसली अगर मान लो मैं इस गोल्ड सोल को, कोलोइड को सेपरेट कर दूं, मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स अलग कर दूं, वाटर को अलग कर दूं, तो गोल्ड के पार्टिकल जैसे मैं अलग कर दूंगा ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। और फिर यहाँ पे मेरे पास वाटर प्रेजेंट है, सेपरेट करवा दिया मैंने अभी, अब इस पूरे पार्टिकल्स को जो कंबाइन हुए फिर से अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो ये फिर से इंडिविजुअल पार्टिकल्स यहां पे नहीं बनाएंगे, मतलब ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। वंस द कोलाइड इज ब्रोकन या फिर सोल इज ब्रोकन इनटू द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट द सोल बाय जस्ट मिक्सिंग द टू डिफरेंट फेजेस, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि लायोफोबिक जो है वो इरिवर्सिबल है और लायोफिलिक जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक, तो हम यहां पे डिफरेंशिएशन में लिख रहा हूं, इट इज इजी टू प्रिपेयर, इट इज इजी टू प्रिपेयर, और यहां पे हम बोल सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, स्पेशल टेक्निक की जरूरत है, और
एक चीज इसमें और लिख देंगे कि इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ब्रेक कर दिया फिर से उसको रिजनरेट हम कर सकते हैं, एंड इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल जिसको हम इजीली फिर से ब्रेक करने के बाद कंबाइन करके कोलाइड सोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोलाइड या फिर सोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्या बोला, लायोफोबिक, एंड दिस इज कॉल्ड एज लायोफिलिक कोलाइड। एक और चीज है इसके अंदर में कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है किस केस में, लायोफिलिक के केस में, या फिर एक लेयर बनती है किसकी, वाटर की या फिर जो डिस्पर्शन मीडियम है उसकी। उसके कारण क्या होता है कि मान लो इसमें हमने स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो हमने NaCl ऐड कर दिया होता, तो NaCl के दो आयन्स बनते हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस। ये Na प्लस और Cl माइनस आयन इस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते अगर स्मॉल अमाउंट में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है ऊपर, तो यहाँ पे ये सोडियम आयन तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये इसके पार्टिकल के सरफेस के ऊपर जा नहीं पाएगा ड्यू टू हाइड्रेशन। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड में अगर यहाँ पे देखिए ये गोल्ड पार्टिकल मेरे पास है और यहाँ पे मान लो अब गोल्ड है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि गोल्ड तो पॉजिटिव मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐड किया होता NaCl, तो NaCl ऐड करने के बाद दो आयन यहाँ पे मिलते हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों भी इसके सरफेस के ऊपर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो क्लोरीन जो होगा Cl माइनस इसके सरफेस के ऊपर आएगा, दोनों एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा और न्यूट्रल सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो एक दूसरे के तरफ ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, लार्जर साइज का इस तरीके से बड़ा पार्टिकल्स बनाएंगे ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ नंबर ऑफ कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। तो हमारा जो कोलाइड था जो एक पर्टिकुलर रेंज साइज रेंज का था वो अभी उस साइज रेंज में नहीं आएगा, वो सस्पेंशन बन जाएगा। तो कोलाइड विल बी कन्वर्टेड इन टू व्हाट, सस्पेंशन, गेटिंग और नॉट। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऐड करते हैं लायोफोबिक कोलाइड में तो उस टाइम पे देर इज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड ऑकर। यहाँ पे क्या होता है, कोलाइड के क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उस टाइम पे उसका प्रेसिपिटेशन या फिर कोएगुलेशन आपको नहीं दिखेगा, किसका, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का। ठीक, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन कोलाइड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे व्हेन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। ठीक, तो उसको भी लिख देते हैं डिफरेंशिएशन में क्योंकि ये आगे काम में आएगा। नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोई इफेक्ट यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक, कोएगुलेशन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स ऑकर ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोएगुलेशन होगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए लायोफिलिक कोलाइड का आगे चल के हम देखेंगे, लायोफिलिक कोलाइड का हम यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम द कोएगुलेशन व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद तो ये जो सिस्टम है कोलाइड हमारा वो तो ब्रेक हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड ऐड करते हैं ताकि वो वहाँ पे कोएगुलेट ना हो सके। कौन सा, लायोफोबिक कोलाइड। ठीक, वो आगे देखेंगे प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द कोलाइड में। तो ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड द लायोफोबिक कोलाइड, और क्लासिफिकेशन भी एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर क्वेश्चन आया कि गिव क्लासिफाई द कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो आप लायोफिलिक कोलाइड लिखो, उसके अंदर में ये सारे पॉइंट लिखो,
लायोफोबिक कोलॉइड लिखो, उसके अंदर में ये सारे पॉइंट लिखो सेपरेटली अलग से। अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछा तो ये कॉलम बना के लिख दो ऐसे, तब भी हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव में इसमें भी इससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते, कौन सा वो डिस्पर्शन मीडियम लविंग है, कौन सा डिस्पर्शन मीडियम हीटिंग है, इलेक्ट्रोलाइट एडिशन का कहाँ पे इफेक्ट होता है कहाँ पे नहीं होता है, कहाँ पे विस्कोसिटी चेंज होती है, कहाँ पे सरफेस टेंशन का हमें इफेक्ट दिखता है, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो सारे पॉइंट्स हमें याद रखना जरूरी है। ठीक, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। आगे देखते थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज जो है वो किस टाइप का है, उसकी बेसिस पे हम कोलॉइड को तीन टाइप में क्लासीफाई करते हैं। वी क्लासीफाई कोलॉइड इन थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल किस टाइप का है उसके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज किस तरीके से उसके हिसाब से, अब इसको हम तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड, फर्स्ट वन इज मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। अब ये मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड क्या है वो देखते हैं। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक, ये है हमारा वाटर, और इस वाटर में हमने ऐड करवा दिया हमारा डिस्पर्स फेज दैट इज सल्फर। सल्फर को हमने इसमें ऐड करवा दिया, सल्फर को जब हम ऐड करेंगे तो सल्फर इस पे जैसे ऐड होगा उसके इंडिविजुअल क्या बनेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाएगा। जैसे जैसे सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से, तो ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ इस तरीके से क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लार्जर साइज का क्या बनाएंगे एक पार्टिकल बनाएंगे। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो गए और एक बड़ा साइज का मॉलिक्यूल पार्टिकल उसने क्या हुआ बना लिया। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे बनेगा उसकी साइज रेंज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी। तो ये किस में क्लासिफाई करेंगे हम, कोलॉइड में। किस में क्लासिफाई करेंगे हम, कोलॉइड में। तो कोलॉइड बन गया हमारा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये कोलॉइड बना कैसे, ड्यू टू कॉम्बिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू अ कोलॉइडल साइज पार्टिकल। जब ऐसा हुआ तो ये बना हमारा क्या, कोलॉइड, और इस कोलॉइड को हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल ने मिल के एक क्या बनाया कोलॉइडल साइज का पार्टिकल। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे एग्रीगेशन से फिर बन जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। तो इस टाइप के कोलॉइड को हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड इज द कोलॉइड इन विच डिस्पर्स फेज इज फॉर्म। ये डिस्पर्स फेज है हमारा पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज फॉर्म बाय अकुमुलेशन और एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम जो इंडिविजुअल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स थे उनका क्या हो गया, एग्रीगेशन हुआ। तो इसको हम बोलेंगे क्या, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा सल्फर सोल, तो एग्जाम्पल लिख लेते यहाँ पे, एग्जाम्पल विल बी सल्फर सोल। दूसरा हम देखेंगे गोल्ड सोल, गोल्ड का सोल। सोल का मतलब आपको पता है, फिर से बता रहा हूँ, सोल का मतलब क्या होता है, सॉलिड प्रेजेंट इन अ लिक्विड, ठीक। ये हुआ मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। दूसरा जो टाइप इसके अंदर में आता है दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड का मतलब क्या है, जैसे ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से बना था बड़े पार्टिकल, अब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। मान लो हमारे पास वही है दैट इज डिस्पर्शन मीडियम है वाटर, और इसमें ऐड किया हमने प्रोटीन, क्या ऐड किया प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े साइज का मॉलिक्यूल है ना, एक मैक्रोमोलिक्यूल या फिर मैक्रो साइज का पार्टिकल है। ये पार्टिकल को जब प्रोटीन को हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये मान लो ये बड़े साइज का क्या था,
प्रोटीन का पार्टिकल था। तो जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो जाने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। किस में कन्वर्ट होगा? स्मॉलर साइज पार्टिकल में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्मॉलर साइज के यहाँ पे पार्टिकल बनेंगे इसकी साइज रेंज फिर से किस में आएगी? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगी। तो फिर हम इनको क्लासिफाई करेंगे एज ए कोलाइड करके। और ये कोलाइड बना कैसे है? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लार्जर साइज पार्टिकल इंटू अ स्मॉलर साइज कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में। क्लियर है कि नहीं? तो लार्जर साइज पार्टिकल इज कन्वर्टेड इंटू द कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, सो इट फॉर्म अ कोलाइडल डिस्पर्शन। कोलाइडल क्या बनाएगा? वो डिस्पर्शन बनाएगा। तो इस टाइप के कोलाइड को या फिर सोल को हम बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो आपको नाम से ही याद रखना है कि मल्टीमोलिकुलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनने वाला, और मैक्रोमोलिकुलर मतलब बड़े साइज पार्टिकल से छोटे साइज पार्टिकल में कन्वर्ट होकर कोलाइड बनने वाला। ठीक, इसका एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज प्रोटीन का क्या आएगा? कोलाइड, या फिर प्रोटीन का क्या आएगा? सोल। ठीक, उसी तरीके से एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज एंजाइम सोल। फिर प्रोटीन तो हमने देख ही लिया, साथ में हम देखेंगे जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। उसका बहुत भी बड़े साइज का एक तरीके से क्या है? पार्टिकल है। उसके छोटे छोटे क्या होंगे? टुकड़े होंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे? कोलाइड बन जाएगा। ठीक, जिलेटिन का क्या आएगा? सोल। साइमल्टेनियसली आर्टिफिशियल जो पॉलीमर्स होते हैं, जो सिंथेटिकली हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि नायलॉन है, ठीक, या फिर हम बोलेंगे पॉलीथीन है, ठीक, इनके भी सोल जो है वो भी किसके अंडर में आते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो जो जितने भी हमारे पास पॉलीमर होंगे, आर्टिफिशियल पॉलीमर जो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो ये हुआ मल्टीमोलिकुलर, ये हुआ मैक्रोमोलिकुलर। थर्ड टाइप जो है वो है मिसेल, जिनको हम बोलते हैं एग्रीगेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स बोलते हैं। अब मिसेल्स या फिर एग्रीगेट्स है क्या वो देखो। क्या होता है कि जो सोप या फिर डिटर्जेंट, उसके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे डिटर्जेंट या फिर सोप के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं। और जब वो एग्रीगेट होंगे तो एग्रीगेट होने के बाद उसका एक बड़ा साइज का क्या बनेगा? पार्टिकल बनेगा, एग्रीगेट बनेगा, उसको हम बोलते हैं मिसेल। उसी को हम बोलते हैं क्या? एग्रीगेट। ठीक, तो इस जब ये कॉन्सेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे एग्रीगेट होंगे तो इट फॉर्म्स मिसेल्स। क्या बनाते हैं? मिसेल्स। कैसे बनते हैं वो देखो। अब सोप जो होता है, सोप क्या होता है? सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम स्टीयरेट। हम क्या ले लेते हैं? सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COONa। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ प्रॉपर तरीके से, ये ऐसे दिखेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सी कितना हुआ? 17। ठीक, H35COONa। तो ये वाला पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये इतना लॉन्ग चेन वाला क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम स्टेरेट। और इसी को ये एक एग्जांपल है इसका, सोप का। तो ये यहां से लेके जो यहां तक का पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। मतलब ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है
और हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वही क्या हमारा क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक। और इसको हमने एक डिजिग्नेटेड कर दिया, एक नाम दे दिया कि भाई ये एक टेल है, एक मॉलिक्यूल का ये क्या है, टेल, ठीक। और इस टेल के बाद ये जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने सर्कल किया है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे हेड, इसको क्या बोलेंगे, हेड। तो ये हुआ लॉन्ग चेन टेल और ये पोर्शन क्या होता है, हेड होता है। साथ में इस पोर्शन को आप देखोगे तो ये आयोनिक पोर्शन है, मतलब यहाँ पे आपको ये दिखेगा COO- आयन और NA क्या दिखेगा, प्लस आयन, ठीक। तो ये जो COO- आयन पोर्शन और NA+ आयन पोर्शन जो दिख रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, हेड बोल दिया है। और ये आयोनिक है और आयोनिक होने के कारण ये क्या होगा, पोलर, ये पोर्शन क्या होगा, पोलर। या फिर इसी को हम बोलेंगे क्या, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, क्या है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमने ले लिया हेड और यहां पे क्या ले लिया, टेल। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ऐसे, ये है हेड हमारा और ये वाला है टेल, ये वाला क्या है, टेल। तो हेड और क्या है, टेल। तो ये जो पूरा का पूरा यहां पे ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको सोडियम स्टेरेट का, इसको एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, दोनों मिलाकर हेड और टेल मिलाकर, इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे मोनोमर, क्या बोलेंगे, मोनोमर। जैसे पॉलीमर होता है ना, तो पॉलीमर के बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर क्या बनता है, मोनोमर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोमर, वो क्या होते हैं, एग्रीगेट, और एग्रीगेट होने के बाद क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। उसी तरीके से ये क्या है, इंडिविजुअल मोनोमर है, ये भी एग्रीगेट होने वाला है और इससे क्या बनने वाला है, मिसेल बनने वाला, ठीक। तो ये मोनोमर है। अब मान लो ये हमारे पास सोप है, इस सोप के मॉलिक्यूल्स को हमने वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद कैसे मिसेल बनेगा वो देखते हैं, ठीक। तो हमारे पास अभी एक वाटर होगा, वाटर में हम सोप को ऐड करेंगे, यह है हमारे पास वाटर, वाटर में हमने ऐड किया यहाँ पे हमारा सोप। अब सोप के मॉलिक्यूल हमें पता है कैसे होते हैं, इस तरीके से, जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये वाटर है, वाटर होता है क्या, पोलर। तो ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये यहाँ पे, ये होता है क्या, पोलर। ये वाला पोर्शन क्या होता है, नॉन पोलर। तो इसका अरेंजमेंट जो होगा यहाँ पे वाटर में, जो जैसे हम पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे सोप, तो ये सोप के मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे, क्योंकि सर सोप या फिर डिटर्जेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। मैं लिख देता हूं आपको कि सोप या फिर जो डिटर्जेंट होता है उसी को हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। आपको याद रखना है इनको क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे सबसे पहले एक्ट होते हैं, और सरफेस पे एक्ट होकर सरफेस के मॉलिक्यूल जो होंगे लिक्विड के, मतलब वाटर के, इनको रिप्लेस कर देगा, तो सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाएंगे तो वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, क्योंकि वो सरफेस पे एक्ट होकर सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक। तो जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये हेड है और ये क्या है, टेल, तो ये इस तरीके से अरेंज होंगे आने के बाद, ये ऐसे, तो इनका पोलर पोर्शन जो है, पोलर पोर्शन रहेगा कहाँ पे, अंदर में, मतलब वाटर में, और नॉन पोलर पोर्शन कहाँ रहेगा, वाटर के सरफेस के बाहर, इस तरीके से। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल अंदर भी जाएंगे, कहाँ पे, बल्क में। तो ये बल्क में भी जाएंगे, ये हो गया बल्क, तो बल्क में भी ये मॉलिक्यूल आएंगे सारे मोनोमर्स, तो ये इस तरीके से आपको दिखेंगे, ये प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक। अब ये जो मोनोमर यहां पे प्रेजेंट हो गए, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये एग्रीगेट होना स्टार्ट करेंगे, ये क्या होना स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट, क्योंकि यहां पे ये नॉन पोलर पोर्शन है, तो ये पोर्शन वाटर, इस पोर्शन को वाटर क्या कर रहा है, हीट, इस पोर्शन की वजह से अंदर क्या हुए, टिके हुए हैं पोलर पोर्शन की वजह से। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर उतना उसको क्या करते जाएगा, रिपेल करते जाएगा, तो इस रिपेल को प्रिवेंट करने के लिए ये मॉलिक्यूल एक तरीके से क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट होंगे, ठीक। अब एग्रीगेट कैसे होंगे वो देखिए, यहां से जैसे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा बढ़ेगा, अब ये हमारे पास वाटर है
और इस वाटर में ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरीके से एग्रीगेट होंगे। इस तरीके से नॉन पोलर जो पोर्शन होगा वो नॉन पोलर पोर्शन जो है वो अंदर वाले साइड में होगा और पोलर जो पोर्शन है वो बाहर वाले साइड में होगा, क्योंकि बाहर वाला एनवायरनमेंट जो है ये वाटर है, ये वाटर होने के कारण ये पोलर है, ये क्या है पोलर, और ये वाला हेड जो है ये भी क्या है पोलर, ये भी क्या है पोलर है, ठीक, क्योंकि आयनिक पोर्शन है। और बाकी वाला जो उसका नॉन पोलर जो पोर्शन होगा वो कहाँ पे होगा, अंदर वाले साइड में होगा, जिसको हम बोलते हैं कोर। तो ये नॉन पोलर पोर्शन कहाँ पे जाएगा, कोर में जाएगा, ठीक, और पोलर पोर्शन जो है वो बाहर में रहेगा। तो इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट होगा, ठीक। अब होगा क्या कि वाटर जो है जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन को रिपिल कर रहा था वो तो उसको उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पोर्शन को कवर किसने करवा लिया, इस पोर्शन को, ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है इसको कवर किसने किया है, पोलर पोर्शन ने कवर कर लिया है। तो अब ये रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके बीच का, वाटर और हाइड्रोफोबिक पोर्शन के बीच का, क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर एग्रीगेट बना है, इस एग्रीगेट को ही हम बोलते हैं मिसेल, क्या बोलते हैं मिसेल। सो मिसेल इज द एग्रीगेट ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता था और ये सॉल्वेंट ऑयल भी हो सकता था। तो ऑयल में अरेंजमेंट इसका रिवर्स होता, मतलब हेड टेल पोर्शन बाहर होता, हेड पोर्शन कहाँ होता, अंदर, रिवर्स हो जाता। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं क्या, माइसल। और इस माइसल को बनाने के लिए मिनिमम जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एग्रीगेट होते हैं, मोनोमर जो हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो यहाँ पे लगेंगे मिनिमम 100। तो 100 या 100 से ज़्यादा, 100 या 100 से क्या ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एग्रीगेट। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और मोर देन 100, 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसेल। और ये जो मिसेल है इसकी, इसको बनाने के लिए मिनिमम जो कॉन्सेंट्रेशन लगता है सोप का, सोप की बात करो, डिटर्जेंट करें, मिनिमम जो कॉन्सेंट्रेशन लगता है सोप का वो है 10^-4 से लेके 10^-3 मोल पर लीटर। कितना है, 10^-4 से लेके 10^-3 मोल्स पर लीटर, इतना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्या बनाने के लिए, मिसेल बनाने के लिए, किसका, सोप का, क्लियर है। तो ये बन गया इस तरीके से क्या, मिसेल, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये मिसेल जो यहाँ पे बनता है इसको बनाने के लिए जो हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा सोप का कि इतना चाहिए, तो ये मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट। सो मिसेल फॉर्मेशन जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, जो हमने डेफिनेशन में भी लिखा कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, टेम्परेचर। सो द कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसेल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको लिख देते, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसेल्स फॉर्म, मिसेल क्या हो जाते, फॉर्म हो जाते, उसे कहते हैं क्या, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और उसी तरीके से इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं CMC, कभी कभी शॉर्ट में दे देता है CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा एक होता है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसेल फॉर्मेशन अलाउड होगा या फिर मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा या फिर मिसेल फॉर्म हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर अबव विच, द टेम्परेचर Above which missiles form are form, उसे बोलते हैं क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दोनों डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव, व्हाट इज मेरा क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन।
तो दोनों हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट, जो हमने यहाँ पे देखा है वो क्या है, एग्रीगेट। ये एग्रीगेट ही है या फिर ये मिसेल ही है, और इसकी साइज जो होगी वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी, इसीलिए ये क्लासीफाई होता है एज ए कोलॉइड। ये क्या होता है, क्लासीफाई एज ए कोलॉइड। और ये जो यहाँ पे मिसेल बना है या फिर जो ये सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके, ये किसके मॉलिक्यूल है, सोप या फिर डिटर्जेंट के एग्रीगेट होके जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसका यूज होता है कहाँ पे, क्लिंजिंग एक्शन में। मैंने शायद इसके पहले भी आपको कहीं पे बताया होगा, पहले क्लासेस में 11th में आपको, कि ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, जो सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए। और क्लॉथ के क्या प्रेजेंट होता है, डर्ट होता है, ग्रीस होता है, ऑयल होता है, उसको निकालने के लिए। वाटर से तो वो निकलता नहीं, क्योंकि ग्रीस है, ऑयल है, वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होंगे, और मिक्स नहीं होंगे तो वो उसको निकाल नहीं पाएगा। वाटर जो ग्रीस है, ऑयल है, उसको निकाल नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सोप या फिर डिटर्जेंट की, जिसको हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो ग्रीस और ऑयल जो होगा उस पर जाके एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है मिसेल, और उसमें ऑयल और जो हमारा ग्रीस होगा उसको डिजोल्व कर लेता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं तो भी ऑयल और ग्रीस प्रेजेंट था, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, या फिर इसी पे यही जगह पे वो स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे, और इस नॉन पोलर पोर्शन जो होगा वो ऑयल या फिर ग्रीस है ना, ऑयल या फिर जो ग्रीस होगा इसको अपने अंदर में इस तरीके से समा लेगा, तो अंदर डिजोल्व हो जाएगा ऑयल या फिर ग्रीस, अंदर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व क्यों होगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ऑयल या फिर ग्रीस भी क्या है, नॉन पोलर है, तो पोल जो लाइक डिजोल्व क्या होता है, लाइक। सो नॉन पोलर पोर्शन को डिजोल्व कर लेगा, और ये वाला पूरा मिसेल जो है वाटर में प्रेजेंट होगा, तो वाटर के साथ ये बाहर निकल जाएगा, क्लोथ से वो निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्लिंजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स, ठीक। तो सोप का एग्जाम्पल तो हमने देखा, सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम पामिटेट भी यूज करते हैं, सोडियम ओलिएट भी यूज करते हैं, ठीक। उसी तरीके से डिटर्जेंट भी यूज करते हैं, और डिटर्जेंट का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहे तो वो है सोडियम लॉरिल सल्फेट, SLS जिसको हम बोलते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। डिटर्जेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट फॉर्मूला इज CH3CH2/11SO3Na। सोडियम लॉरिल सल्फेट, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो दिख रहा है सोडियम लॉरिल सल्फेट, उसके साथ साथ एग्जांपल देख ही देते हैं, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्या है, एक तरीके से डिटर्जेंट की तरह ऐड करता है। सोडियम डोडेसिल सल्फेट, वो भी क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। आपके लिए ये काम का है सोडियम लॉरिल सल्फेट, नाम भी अगर याद है तो सफिशियंट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, डिटर्जेंट, ये भी इसी तरीके से काम करता है और क्या बनाता है, मिसेल्स को बनाता है, क्लियर है। तो हमने देखा अभी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड दोनों के बेस, दोन ऑन द टू बेसिस, वन इज नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज, किस तरीके से मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर या फिर एग्रीगेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स, ठीक। और साथ साथ में हमने क्लिंजिंग एक्शन ऑफ क्या देखा है, सोप का, कि किस तरीके से ये जो सोप है वो डर्ट जो होता है या फिर ग्रीस ऑयल को क्लीन करता है, ठीक। क्या करता है, वो एग्रीगेट बनाता है और उस ऑयल और ग्रीस जो होता है उसको अपने हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है उसके अंदर में उसको ट्रैप करके उसको वहां से निकाल देता है, ठीक। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलर्ड के बारे में, ठीक।